गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू टूडेज ब्लॉग। सो अभी आपने देखा कि हम करतारपुर साहिब आ रखे हैं, तो ये रहा पूरा टर्मिनल। अभी इसके अक्रॉस पाकिस्तान है और वहाँ पे डेरा बाबा नानक। तो अभी हमारी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी, तो गाड़ी के अंदर ही कुत्ता भेज दिया था सूंघने के लिए कि कोई बॉम्ब नहीं है। अभी अंदर जा, वहाँ पर पूरा टर्मिनल है, उसको सिक्योरिटी चेक होगा और लेट्स गो। तो ये रहा पूरा कॉरिडोर, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ICP, डेरा बाबा नानक, और वो रहा वहाँ पे टर्मिनल जिसके अंदर हमें जाना है विद ऑल ड्यू सिक्योरिटी चेक्स। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द सिक्योरिटी चेक। हेयर विल बी अ सिक्योरिटी चेक। सो ऑल द सिक्योरिटी चेक डन, नाउ वी आर प्रोसीडिंग इनसाइड द टर्मिनल। एंड this is the Kartarpur corridor. Wow, look at this. पाकिस्तान में अभी पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो पहले हमें यहाँ पे जाके पोलियो सेंटर पे पोलियो ड्रॉप्स लेना है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमें पोलियो ड्रॉप्स करवाए। जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पे अपना सामान उतारो, फिर सिक्योरिटी चेक और अंदर इमिग्रेशन। सिक्योरिटी चेक इज डन, इमिग्रेशन इज डन, ये लग गई है स्टैम्प डिपार्चर की टू पाकिस्तान। चल मुन्नी, तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ। सो इन्होंने एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने को कहा है कि हमारे पास गलती से भी पाकिस्तान करेंसी वापसी ना आ जाए। अगर वहाँ पर हमें कोई देता भी है तो हमें खुले करा के या चेंज करा के दान दे के आना है। अगर यहाँ पे वापस आ गए तो हमारा वो केस बन जाएगा और हमारे रेस्ट हो सकता है। ये था इंडिया और वो था पाकिस्तान बॉर्डर। ये बीच में जो लाइन है ना, बस ये एक डिफरेंस पैदा कर रही है और कुछ भी नहीं है। ये जो लाइन है ना, अभी मैं इंडिया में खड़ा हूँ और जैसे मैं ये लाइन क्रॉस करूँगा आई विल बी इन पाकिस्तान। जस्ट अ सिंपल लाइन, वी आर ऑफिशियली इन पाकिस्तान। एंड दिस बस वी हैव टू गो इनसाइड व्हिच विल टेक अस टू गुरुद्वारा। Let's go. तो हमारी गोल्फ कार्ट चल चुकी है यहाँ पे और वी आर एंटरिंग। हम एंटर तो हो ही चुके हैं और वो रहा बोर्ड सामने, वेलकम टू पाकिस्तान। सो ये रहा डॉलर, अभी इसको पाकिस्तान करेंसी से एक्सचेंज कराता हूँ। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अभी हमने करेंसी एक्सचेंज करा ली है, $50 ही करा, ज़्यादा नहीं। और अब ये अंदर हॉल में जाना है और वहाँ पे बस वेट कर रही है जो कि हमें लेके जाएगी। सो वी आर इन एंड दिस इज़ अ कार्ड गिवन टू ऑल द यात्रीज। व्हेन वी गो इनसाइड वी हैव टू एंड कम बैक, वी हैव टू रिटर्न दिस एंड लेट्स नाउ बोर्ड द बस। देखो गाइस, पाकिस्तान के खेत, और ये हमारी बस जर्नी चल रही है। दोनों जगह खेत है गाइस। दिस इज द रावी लेक और वही खेत। सो ये रहा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, अभी इसके अंदर जाएंगे हम। तो ये रहा करतारपुर, इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है कि नानक जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल यहाँ पे बिताए थे। उन्होंने यहाँ पे खेती करी, उस साइड वहाँ पे खेत है जो नानक जी ने ही किए थे। अंदर जाके देखते हैं अब बाकी। आपकी चेकिंग कोई नहीं होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट आप लोग अपने पास संभाल के रखेंगे। और ये जो आपको कार्ड दिए गए हैं, ये कार्ड आप ऐसे ही गले में हैंग रखेंगे। गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग के बारे में आपको थोड़ा सा, दिस इज द जोड़ा घर, वी हैव टू सबमिट आवर शूज। सो दिस इज द प्रीमिसेस ऑफ द गुरुद्वारा एंड नाउ वी आर टू दरबार साहिब फॉर द दर्शन। फिर उस भैया ने बताया कि ये वाली बिल्डिंग सबसे पुरानी है, 300 साल पुरानी है, और ये जो पूरा बना है ये 2019 तक ही बना है, वो करतारपुर बॉर्डर खोला गया था। तो यहाँ पे बाबा जी को दफनाया गया था फूलों और चादरों से, जैसे कि उनको आता था करना। ऊपर प्रकाश है, वो देखेंगे। ये देखो पूरा गुरु नानक की वडियाई। तो यहाँ पे एक किरपान बना रखी है एज अ लैंडमार्क की। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2018 में हुई थी और इनॉग्रेशन इसका नवंबर 2019 बाय मिस्टर इमरान खान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।
तो ये बाबा जी का कुआं है, यहाँ पे ऐसे कुआं बना रखा है। अभी वहाँ से मिलेगा मैं अमृत जल। यहाँ पे लिखा है कि ये वाला बॉम्ब है जो कि इंडियन आर्मी ने गिराया था ये ख़त्म करने के लिए, बट ये ख़त्म हुआ नहीं। तो अभी हमने ये अमृत जल ले लिया है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल लंगर चलने। तो ये लंगर हॉल है, देखो पाकिस्तानी और इंडियन सारे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये पूरा लंगर हॉल है। तो ये हमारा लंगर आ चुका है, इट्स छोले चावल दाल सब्जी रोटी एंड वाटर, और यहाँ सारे लोग मिलके लंगर कर रहे हैं। तो ये किचन है सारी जहाँ पे खाना बनता है, ये खाना बन रहा है और यहाँ पे रोटियाँ बन रही है। यहाँ पे मार्केट जाने के लिए चप्पल रखी हुई है सबके लिए कि ये चप्पल यूज़ करो मार्केट जाओ। तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट में, अब आपको पूरी मार्केट दिखाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे सूट मिल रहे हैं, ये खाने पीने का स्टॉल है, यहाँ लाहौरी कुल्फी मिल रही है और वहाँ शोपीस वगैरह, फिर वहाँ पे भी सूट सलवार और यहाँ पे जूते। अभी देखते हैं कुछ पसंद आता है तो यहाँ पे पाकिस्तानी सूट है ये सारे, ये देखे जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये पाकिस्तानी स्प्राइट है विद मिंट फ्लेवर, दिखाओ स्प्राइट विद मिंट फ्लेवर, मिंट फ्लेवर स्प्राइट बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ये फैंटा भी रेड एप्पल फ्लेवर स्प्राइट मिंट वाली, और ये इनकी यहाँ की स्टिंग हो गई। तो अभी हमने शॉपिंग करी काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद हम खा रही है लाहौरी कुल्फी, बढ़िया है। तो ये देखो पाकिस्तानी करेंसी जिस पे बने हैं मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये गांधी नहीं चलता एज सेड इन बजरंगी भाईजान। तो अब सब कुछ हो चुका है, लंगर दर्शन शॉपिंग वगैरह, अब दोबारा इंडिया जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल ट्रिप होता है ख़त्म। लेकिन हाँ, अभी इंडिया में जाके भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, चेक इन वगैरह कराना है, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली। तो दोबारा इमिग्रेशन सेंटर में आकर यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर इंडिया के टर्मिनल में जाएंगे, फिर पासपोर्ट पे स्टैंप लगवा के और इन इंडिया। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अपनी बस में बैठ के। गुड बाय पाकिस्तान, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, लोगों ने इतने आराम से बात करी, खाना बहुत टेस्टी था यहाँ पे, हमने आंटी के साथ रोटी बनाई, बड़े मीठे लोग हैं, बहुत मज़ा आया। दोबारा हम ये लाइन क्रॉस करके इंडिया जा रहे हैं और अब हम इंडिया में आ चुके हैं। बाय पाकिस्तान, यू आर टू गुड।